WHO ने भारत की कंपनी द्वारा बनाए गए खांसी जुकाम के चार सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बुधवार को, जो बीत गया है, भारत की मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की ओर से बनाए गए खांसी जुकाम सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। एक देश है जिसका नाम गाम्बिया है। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद WHO ने लोगों से इसका उपयोग ना करने की सलाह दी है। सभी चार सिरप प्रोमेथाइजिन ओरल सॉल्यूशन, ये पहला, दूसरा है कोफेक्स मालिन बेबी कफ सिरप, ये दूसरा, तीसरा है मैकॉफ बेबी कफ सिरप, और उसके बाद जो आखिरी है कफ सिरप, उसका नाम है मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। भारत में हरियाणा में मेडेन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाए गए हैं। चार नाम मैंने आपको बताए हैं। WHO ने कहा है कि आज तक कंपनी ने इन उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता की गारंटी नहीं दी है। चार उत्पादों के नमूनों के लैब में एनालिसिस से इस बात की पुष्टि होती है कि उनमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की अस्वीकार्य मात्रा पाई गई, यानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा या उससे कम। डाइथाइलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल का सेवन घातक साबित हो सकता है। इसके प्रभाव से आपका पेट दर्द, उल्टी, दस्त, पेशाब ना होना, सिर दर्द, बदली हुई मानसिक स्थिति और किडनी की समस्या हो सकती है, यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती है। WHO ने कहा है कि उत्पादों के सभी बैचों को तब तक असुरक्षित माना चाहिए जब तक कि संबंधित राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों द्वारा उनकी सही तरीके से जांच नहीं हो जाती। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि WHO ने 29 सितंबर को गाम्बिया में हुई मौतों के बारे में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म किया था। CDSCO केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस मामले को तुरंत राज्य औषधि नियंत्रक हरियाणा के साथ जांच में उठाया है। जो पहले जांच हुई है उससे पता चला है कि कंपनी ने अब तक केवल गाम्बिया को इन उत्पादों का निर्यात किया, यानी कि उस देश में भेजा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार आयात करने वाला देश गुणवत्ता मानकों पर इन उत्पादों का परीक्षण खुद ही करता है। सही बात क्या है और उसका क्या निष्कर्ष निकलना है, ये तो जब भारत सरकार अपनी जांच कर लेगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस कफ सिरप को लेकर, इन चार कफ सिरप को लेकर तमाम सनसनी फैली हुई है। बहरहाल किसी भी चीज़ को मानने से पहले हमें सरकार के आदेश को या सरकार की जांच के निष्कर्ष का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए।